फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। देखा आपने, मैं मतलब बेलेघाटा से आई हूँ मानिक तल्ला। फिलहाल मम्मी के घर पे आई हूँ। सुबह सुबह आदि को स्कूल भेज के उसका खाना वाना रख के निकल गई हूँ और मम्मी के घर में थोड़ा सा काम है मुझे, और इसके बाद फिर कुछ साड़ी फॉल पिको के लिए दूंगी अपना, तो वो सब देते हुए मार्केट जाऊंगी। यही सब कुछ आज दिन भर का प्लान है। तो जो कुछ भी होता जाएगा सारे दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। बने रहिएगा ब्लॉग में आखिर तक। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो बने रहिए, आगे जो कुछ भी होगा वही सब कुछ दिखाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं की हूँ क्योंकि सुबह सुबह आ गई थी, मम्मी को बोल के ही आई थी कि नाश्ता यहीं करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इसके बाद बाकी का जो काम है करके फिर निकल जाएंगे बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट है गर्मा गर्म आलू के पराठे, धनिया की चटनी और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो अब जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड, मम्मी के घर में जो काम था वो सब हो गया और अब निकले। मेरा भी साड़ी है फॉल पिको, मम्मी का भी है, सब कुछ एक साथ फॉल पिको के लिए देख के, ब्लाउज स्टिच करने के लिए देख के, इसके बाद सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ कि घर जाऊँ, कन्फ्यूज हूँ। पहले चलिए टेलर के पास जाऊँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स, आ गई टेलर के पास और देख रहे हैं आप मम्मी की भी साड़ीज़ है। मैंने भी अपनी जो लाइव में साड़ीज़ दिखाई थी उसमें से दो साड़ी खुद के लिए निकाली हूँ, तो फॉल पिको के लिए वही देने के लिए आई हूँ। और साथ में एक गज्जी सिल्क, ये देखिए ये वाला आपने देखा था ना पिंक कलर का, मैंने दिखाया था शॉर्ट्स में, तो ये ना मैंने मम्मी को गिफ्ट दिया है क्योंकि मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसका भी ब्लाउज वगैरह स्टिच करना था। वही सब देते हुए फिर पापा से पूछी, मतलब वहाँ से टेलर के पास से निकल के पापा से पूछी कि पापा मार्केट चलेंगे तो आपको भी एनिवर्सरी के लिए कुछ खरीद दूंगी पसंद का, तो पापा बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं काम में गया हुआ हूँ, लेना नहीं चाहते हैं कुछ भी, तो फिर वो नहीं लिए। तो मैंने सोचा छोड़ो, इससे अच्छा घर ही चलते हैं। फ्रेंड्स, टेलर के पास से जो है ना फिर वापस घर ही आ गए क्योंकि ना पापा को फ़ोन किया कि पापा चलेंगे न्यू मार्केट, आपको कपड़ा, मतलब पापा को ना एक सोच रही हूँ एक ड्रेस एक जूता ये सब दिलाऊंगी क्योंकि पापा की एनिवर्सरी आने वाली है वेडिंग की। मम्मी को ऑलरेडी एक खरीद के दे दी मम्मी के पसंद की साड़ी, तो पापा का बाकी है, आदि का बाकी है। आदि का जो है ना मार्च में ही, आदि का बर्थडे भी है, फिर मार्च में ही मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो मम्मी का गिफ्ट लेना हो गया है, पापा का बाकी है, आदि का बाकी है। तो वही सोची कि चलेंगे पापा क्या, तो पापा को भी दिला देती उनकी पसंद का कुछ और साथ में आदि के लिए भी खरीद लेती। लेकिन पापा बोले, पहले बोली होती तो चलते, मतलब जब मैं घर में थी ना तब बोलने से पापा जाते, और मैं सोची टेलर के पास जाऊं पहले, टेलर का काम करने के बाद फ़ोन की तो पता चला कि पापा कहीं काम से निकल गए, तो बोले नहीं अब और नहीं जाएंगे, कहीं और के लिए निकल गए, तो इसीलिए हुआ नहीं। फिर घर भी गई, पता है कि मम्मी से पूछूँ मम्मी चलेगी क्या, तो मम्मी भी बोली कि नहीं नहीं मैं रेस्ट लूँगी, तबीयत उतना ठीक नहीं है। तो हम देखे फिर अकेले क्या ही जाए, आदि को भी लेके नहीं जा सकते, उसका एक दो एग्ज़ाम अभी बाकी है ना, तो उसका बस हो जाएगा, इसके बाद उसका भी छुट्टी हो जाएगा तो वो भी फ्री हो जाएगा, तो इसीलिए सोचे आज रहने ही देते हैं, देखते हैं कल परसों चलेंगे मार्केट। और इसी यही सोच के ना वापस घर ही आ गए, और घर आए तो आदि का खाना वाना तो रेडी करके ही गए थे, आदि स्कूल से आ चुका है, खा लिया है, अब थोड़ा रेस्ट ले रहा है, फिर शाम को उसकी टीचर भी आने वाली हैं, तो देखूँ अगर मन करेगा तो कहीं बाहर चली जाऊँगी, नहीं तो जाके किचन में बैठूँगी, यही करेंगे और क्या। और कल ही आदि का लास्ट एग्ज़ाम है, तो आज टीचर भी लास्ट ही आएंगी समझिए, तो उनका फ़ीस वगैरह भी दे देंगे मैम का, और फिर आज ही मतलब मैम को भी हम बोल देंगे कि अगर मैं घर में रहूँगी तो मैं ही बोल दूँगी, नहीं तो आदि बोल देगा कि आज ही लास्ट इसी मंथ का मतलब, और नेक्स्ट मंथ से नहीं आने के लिए। नेक्स्ट मंथ से मैं सोचूँ ना, एक कोचिंग सेंटर है काकुरगाछी में, तो वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं इसके स्कूल के ही बच्चों को, आदि के स्कूल के ही बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, तो मैं सोचू वहाँ लगा दूँगी, कुछ कम में हो जाएगा क्योंकि मैम को हर महीना 6000 फीस है, तो वो 6000 देना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ किया भी नहीं जा सकता, यहाँ पर टीचर वगैरह ना मिलती नहीं है हमारे यहाँ, तो वही दिक्कत होता है। तो बस इस महीना लास्ट है, तो आज लास्ट मैम आएँगी तो उनको बोल दूँगी, या तो मैं निकल जाऊंगी तो फिर आदि बोल देगा और फीस दे देगा। यही सब है फ्रेंड्स, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्च के महीने में, जो आने वाले दिनों के ब्लॉग्स में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा रख रही हूँ सरप्राइज। और दो चीज़ें तो बता दी, आदि का बर्थडे आने वाला है कुछ ही दिनों में, और फिर उसी के कुछ ही दिनों के बाद मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, और
उसके बाद फिर छुट्टियां होंगी तो शायद माँ के घर भी जाऊंगी, आदि कह रहा था नानी के घर चलेंगे, तो देखते हैं क्या क्या करेंगे। और मार्च एंड होने से पहले पहले होली, होली भी है इस बार, हाँ इसी महीने में तो होली है, शिवरात्रि है, तो काफ़ी कुछ है। और साथ में एक ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे हैं कोलकाता के बाहर जाने का, जैसे हम लोग दिल्ली गए थे ना एक बार पूरा परिवार एक साथ, तो वैसा ही कुछ प्लान हो रहा है। तो वो सब कुछ अभी मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, आने वाले दिनों के व्लॉग्स में बताऊँगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग्स जो है ना आएंगे, तो चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो इस पे लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं व्लॉग को, और फिर कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।